नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कृषि परिवर्तन और हम आपको आज एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश का शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय गुलाटी मनावर धार जिले में उपस्थित है। और आपको देख के लगेगा नहीं कि ये प्राथमिक शाला सरकारी है, इसकी आप रंगत देखेंगे तो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसी है। हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, इधर भगत सिंह वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो लगी हुई है और उधर शहीद आजम सरदार भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। तो हम इधर आप देखिए, यहाँ पे पौधे भी लगे हुए हैं पूरे प्रांगण में, कम से कम 50 पौधे लगे हुए हैं इसमें, मधु कामनी के पौधे लगे हुए हैं। अभी हम इनके प्रचार से भी मुलाकात करेंगे और अंदर हम स्कूल के अंदर प्रवेश, आप देखिए यहाँ पे पेपर्स भी लगे हुए हैं खूबसूरत। और ये सरकारी स्कूल है, आप देख सकते हो ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पे मार्बल भी लगा हुआ है आप देखिए। और हम स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे सामने प्रचार आ गए हैं शंकरलाल कागजी नाम है इनका। तो कागजी, आप हमको बताइए किस प्रकार आपने सरकारी स्कूल की रंगत बदल दी है। सर, ये मैंने प्रयास किया है, व्यक्तिगत प्रयास किया है, अभी 5-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ सर, ताकि वो अधिक से अधिक स्कूल को मैं डेवलप कर सकूँ। सर, मैं प्रतिवर्ष इस स्कूल में 2 महीने की सैलरी लगाता हूँ। अच्छा, और 9:30 बजे स्कूल हमारी खुल जाती है और 4:30 बजे हम क्लोज करते हैं। कितने बच्चे हैं इसमें अभी? सर, पहले हमारे यहाँ 55 बच्चियाँ थी, लेकिन जब मैंने इतना अच्छा प्रयास किया तो मेरे पास अभी 102 बच्चियाँ हो गई। अच्छा, और 10 नर्सरी की बच्चियाँ भी आती, तो ऐसे 112 बच्चे हम गई सर आपके प्रयास से। 102 छात्र छात्रा हैं कि छात्राएं हैं? सर, कन्याशाला ही है ये। तो आप देख सकते हैं 102 छात्राओं को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और कितने टीचर हैं यहाँ पे? अभी 2 और हैं। 2 और आपके अलावा? 2 और हैं जी, वो भी पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ तक स्कूल है? प्राथमिक है ये? प्राइमरी सर, 1 से 5 तक। 1 से 5 तक है। तो अभी हम अंदर देखेंगे, आप देख सकते हैं ये कुर्सी लगी हुई है और इधर भी टाइल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इधर हम कक्षा 3 में जा रहा है, आप बच्चों को देख सकते हैं यहाँ पर, ये बच्चे पढ़े, ये मैडम है, इनको पढ़ाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। बोर्ड भी बहुत बढ़िया लगा हुआ है यहाँ पर। और बालक की माँ क्या सोचकर घबरा गई, यहाँ पे साहसी बालक कहानी का सार बताया जा रहा है। लड़के की माँ क्यों प्रसन्न थी, लड़के की माँ उसके साहस को देखकर प्रसन्न थी। तो बच्चों, आपको कैसा लगता है यहाँ पर पढ़ के? अच्छा। आपके टीचर सभी अच्छे हैं? हाँ। आपको मजा आता है पढ़ने में? हाँ। सारी सुविधाएं मिलती हैं? हाँ। पानी वानी की व्यवस्थाएं बढ़िया है? हाँ। शौचालय वगैरह है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होती? घर वाले आसानी से भेजते हैं आपको? हाँ। टीचर पूरा सहयोग करते हैं? हाँ। आप खुश हो? हाँ। चलिए, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है? हाँ। कहाँ तक पढ़ेंगे आप, आगे पढ़ाई जारी रखेंगे? अच्छा, चलो ठीक है। कूलर भी लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के लिए कूलर है, झाड़ू की व्यवस्था है, साइकिल भी है यहाँ पर। और आप देखो, बहुत ही बढ़िया दरी यहाँ पर बिछी है, उस पर कालीन बिछी हुई है, उस पर बैठे हुए हैं बच्चे और बच्चों को काफी आनंद भी आ रहा है। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती अनीता काग। अच्छा, अनीता काग जी हैं, आप पढ़ाती हैं यहाँ पे? हाँ। चलिए बढ़िया, बच्चों को अच्छा पढ़ा रही हैं आप। हाँ, शुभकामनाएं आपको। बोर्ड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देखिए, व्हीकल के बोर्ड लगे हैं, अवर हेल्पर्स के लगे हैं, फ्लावर्स के लगे हैं, कलर्स के लगे हैं। अब हम कक्षा 2 में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की फोटो लगी हुई है। नमस्ते नमस्ते, आप देखो बच्चों में अनुशासन कैसा है, आते ही से उन्होंने नमस्ते किया सबको। और यहाँ पे देखिए आप टीवी बैठ जाओ। यहाँ भी ये बोर्ड लगा हुआ है, कालीन बिछी हुई है। पूरा म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। ये सर, क्या नाम है आपका? राजेश काग।
राजेश काग जी। अरे वाह, कहाँ तक पढ़े हैं आप? एमए। एमए किया हुआ है? हिंदी इंग्लिश? संस्कृत से। संस्कृत से, अरे वाह, चलो बच्चा अच्छा पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को। पूरा देखिए, आप म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर शंकरलाल काग जी ने अपने खर्चे पर लगाया हुआ है। एक्शन करना, चल एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन करो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक सरकारी स्कूल भी बहुत ही सही सुविधाओं के साथ संचालन किया जा रहा है। अब हम कक्षा एक में कृपया प्रवेश करेंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप देख सकते हैं इसमें भी बिल्कुल बेहतरीन टाइल्स लगे हुए हैं, बोर्ड भी उसी क्वालिटी का लगा हुआ है। यहाँ पे गुड हैबिट्स का पोस्टर भी लगा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो है। काफी अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ पे काग जी ने। क्या नाम है मैम आपका? मोनिका काग। मोनिका काग। अच्छा मोनिका काग, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैंने बीएड किया है। बीएड और बीए। बीएड भी किया हुआ है, अच्छा पढ़ा रही हैं आप बच्चों को। बेटा अच्छा लग रहा है पढ़ने में आपको? हाँ। मजा आता है? हाँ। टाइम से आते हो स्कूल? आप देख सकते हैं दो अलमारी भी रखी हुई है यहाँ पे और कालीन पट्टी यहाँ भी यहाँ पे बेहतरीन बिछी हुई है। कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं। अच्छा तो पहाड़े याद है आपको? धोखा पहाड़ा सुनाइए। अरे कहाँ तक याद है पहाड़े? उसमें कहाँ तक याद है? तीस तक, तीस तक पहाड़े याद है। धोखा पहाड़ा सुनाइए। चलिए चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको पूरा पक्के से याद है, आपके टीचरों ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। ये इनके टीचर हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं और इन्होंने सुविधाओं में सरकारी स्कूल की हालत आप ये देखेंगे तो बहुत ही नंबर एक प्राथमिक शालाओं में इसका नाम आना चाहिए वैसे तो। और हम कोशिश करेंगे कि सर का ये प्रयास दूर दूर तक जाए और हर सरकारी टीचर इसी प्रकार अपने पर्सनल प्रयास से हर स्कूल की ऐसे ही रंगत बदलते ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। अब हम आगे प्रांगण में चलेंगे जहाँ पे पौधे देखे हैं। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर।